हेलो वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको गोवा की एक फेमस जगह ले चलती हूँ। इस जगह में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है और बहुत सारी फिल्मों में इस प्लेस को दिखाया गया है। ये कौन सी जगह है और गोवा में कहाँ पर है और इसका नाम क्या है, इन सब की जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे गोवा से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको बड़ी रोचक जानकारी इस जगह के बारे में बताते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि गोवा की यह एक ऐसी जगह है जहां आज भी पुर्तगीज भाषा बोली जाती है। पुर्तगीज भाषा स्पेशली पुर्तगाल और ब्राज़ील में बोली जाती है, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद भी गोवा पुर्तगीज लोगों का गुलाम था। फिर हमारे देश के नेताओं ने समझौता किया और उस समझौते के फलस्वरूप जिन लोगों को गोवा में रुकना था वो रुक गए और बचे हुए पुर्तगीज भारत को आज़ाद करके चले गए। वैसे तो पूरे गोवा में पुर्तगीज लोग मिल जाएंगे, लेकिन यह एक विशेष जगह है क्योंकि यहाँ आज भी पुर्तगीज स्टाइल के घर बने हुए हैं और यहाँ के घर आपको दूसरी जगहों से अलग मिलेंगे और हर घर में एक विशेष कलर से पेंट किया होगा जो कि इन घरों की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। इस जगह को फाउंटेन हाउस कहते हैं और यहाँ पर सारे पुर्तगीज कल्चर को मानने वाले लोग हैं, या फिर हम लोग इसे पुर्तगीज कॉलोनी कह सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग इंग्लिश, पुर्तगीज और थोड़ा कोंकणी बोलते हैं। ये लोग हिंदी भाषा का प्रयोग ना के बराबर करते हैं। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या सच में ऐसा है, तो मैं बताना चाहूँगी कि बिल्कुल ऐसा है। आप गूगल में फाउंटेन हाउस डालकर सर्च कर सकते हैं। अभी इस जगह की और रोचक बातें हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं ये वेल, ये नॉर्मल कुआं नहीं है, इसे बिस वेल कहते हैं। क्रिश्चियन लोगों का ये धार्मिक स्थान है और आप देख सकते हैं कि एक छोटा चर्च भी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्रिश्चियन लोग छोटे चर्च को चैपेल कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जगह कहाँ है, तो वीडियो में आगे बताती हूँ कि यह जगह कहाँ पर है और आप कैसे जा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आगे एक चर्च है, कोरोना के कारण अभी क्लोज है और यहाँ पर उपस्थित लोगों ने एक निश्चित टाइम बना रखा है, उस निश्चित टाइम में ही ओपन होता है और बंद हो जाता है। यह जगह पंजिम सिटी में स्थित है। पंजिम बस स्टॉप से लगभग 4 किलोमीटर चलने पर आपको यह मिल जाएगी। यह फाउंटेन हाउस पंजिम सिटी में स्थित फेमस चर्च आवर लेडी ऑफ कॉन्सेप्शन के बहुत ही पास है। कोविड के कारण यहाँ पर कुछ कम लोग हैं, अन्यथा यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। इस चर्च के चारों ओर गलियां हैं। अभी तो मैं केवल एक ही रास्ते में आई हूं, जो कि आपने अभी देखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी कार्स खड़ी हैं। ये सब टूरिस्ट की हैं जो कि इस जगह की सुंदरता को देखने आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चर्च के लेफ्ट तरफ वाले रास्ते में जाऊंगी, जो कि एक बहुत ही मेमोरेबल प्लेस है। यहाँ पर लोग स्पेशली कपल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए आते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।